Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is May 31st, 2021. This is our second video for today. जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स और अपने व्यूज की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं. आपका WTL आज भी टॉप रेटेड स्टॉक रहा, परफॉर्म्ड वेरी गुड. 480.6 मिलियन शेयर्स, बाइको 94.52 मिलियन शेयर्स, सिल्क बैंक 71.59, हम नेटवर्क 49.99 मिलियन शेयर्स, WGL 44.82, कराची इलेक्ट्रिक 33.93 मिलियन शेयर्स, पावर सीमेंट 24.59, MLCF 23.89 मिलियन शेयर्स, DSL 22.38, AGL 21.96 मिलियन शेयर्स. स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट स्टॉक WTLG. अगर आप देखें तो इसको ये बिल्कुल अपने बुलिश ट्रेंड में है, अपवर्ड ट्रेंड में है. जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, RSI इसका नीचे आया टिल 78, हाई इसने अपना दिखाया था 89 का, और अब आज का जो इसका RSI है वो 84 का है. अभी भी अपने ओवरबॉट जोन में है, अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है. स्टॉक हैस्टिक ओवरबॉट में है, मगर ओवरबॉट से थोड़ा सा नीचे है और आपको फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है. कल की भी सेशन में आप इसमें ग्रीन देख सकते हैं. अब इसमें ग्रीन देखेंगे, आज की इसने आपको क्लोजिंग दी है 3.67 की, मगर उसके बाद इसमें करेक्शन बनती है. ये किसी भी दिन आपको या तो मेजर करेक्शन देगा, इट हैज टू कम बैक. इसको नीचे आने की ज़रूरत है, जहन में रखिए, अवर बॉट जोन में है. दूसरी, मेरे ख्याल में मार्केट में ये बातें चल रही हैं कि जो 51% शेयर की एक्विजिशन AKD ने करनी है वो भी शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी या हो चुकी है. तो ये ओवरऑल अब बाद में अब क्या होता है, ARY को जब अक्वायर कर ली थी तो इनके फर्दर क्या प्लान्स हैं वर्ल्ड कॉल के बारे में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वो लॉन्ग रन में किस तरह कंपनी को इसके फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, दैट कुड बी अनदर थिंग. मगर फिलहाल यहाँ पे जो इसकी जो अभी तक जो इसकी अपवर्ड ट्रेंड है वो इसको ओवर बॉट जोन में लेके जा चुकी है. इसको यहाँ पे फ्लैट सेशंस देने की ज़रूरत है काफ़ी अरसा, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे इन्हीं लेवल्स पे, या फिर इसमें करेक्शन की ज़रूरत है WTL में. बल्कि WTL में करेक्शन की ज़रूरत है. उसके बाद बायको पेट्रोलियम, इट्स क्लियरली बुलिश, अपवर्ड डायरेक्शन आपको देता हुआ नज़र आ रहा है. इट्स आप और इसका जो अभी आज की क्लोजिंग है डेट इज़ 11.25. हमने शायद आपको ये पहले भी इंडिकेट किया था, इस साल का जो हाईएस्ट है वो 12.78 है. पिछले तीन साल का मैं आपको बताऊँ इसकी प्राइस हिस्ट्री, तो डेट ये 3.5 से भी ऊपर का स्टॉक रहा है. और अभी इसका जो RSI है डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 71. बाइको का हाईएस्ट RSI हमने देखा है 91 पे. स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट को बिल्कुल अभी क्रॉस किया और फर्दर आपको अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि और ऊपर जाएगा. तो मेरे ख्याल में इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है ऊपर जाने का, क्योंकि ये अगर अपने बुलिश रन स्टार्ट कर चुका है तो ये शायद एज पर इट्स हिस्ट्री या अपने एक्सट्रीम जो इसका RSI 91 पे गया हुआ एक्सट्रीम ओवरबॉट पे, तो जाने वहां तक ये जा सकता है. जब ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे गया था तो जो मैं आपको साल का हाई बता रहा हूँ 12.78 था, अगर ये अपने इस दफ़ा जाता तो ये 12.78 या 13 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा हो. प्लीज़ मैं आपको किसी की टारगेट प्राइस नहीं दे रहा, इससे सिर्फ एक आइडिया है. ये अगर ये बुलिश रन अपनी कैरी कर रहा है आगे तो ये शायद अपने एक नया या अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में जाएगा, 80s की वैल्यू में जा सकता है. सिल्क बैंक भी क्लियरली बुलिश है, अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है. अगेन थोड़ा सा कॉशियस रहिए क्योंकि 73 इसका RSI आ गया. स्टॉक हैस्टिक आपको फर्दर अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि कल भी ग्रीन सेशन होगा, ये अपवर्ड अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगा. हाईएस्ट RSI सिल्क बैंक का आपका 83 था, अभी मैंने आपको बताया है कि इसका इट इज़ 73. क्लोजिंग इसने आपको 1.64 की दी है. इस साल की जो हाईएस्ट आपने जो हमने देखा है वो यही है जो अभी आप देख रहे हैं. पिछले तीन साल के सिल्क बैंक की हिस्ट्री में आपको दिखाऊं तो अभी भी अपने तीन साल के भी हाईएस्ट पे है. ऑल टाइम जो मेरे पास प्राइस हिस्ट्री आ रही है सिल्क बैंक की, उसमें ये हाईएस्ट ये 25-27 रुपये का स्टॉक था बैक इन 2007. आई डोंट नो ये उस लेवल तक आ सकता है कि नहीं आ सकता. 2012 में इसकी प्राइस 2.5 से 3 रुपये के दरमियान थी. ये 2015 में भी 2.5 रुपये से ऊपर का स्टॉक था. तो मेरे ख्याल में इतना मार्जिन तो नज़र आता है कि ये जो भी बुलिश रन है ये इसको 2.5-3 रुपये तक शायद ले जाए. अगेन नो टारगेट प्राइस और एंट्री एग्जिट पॉइंट, मगर इसमें ये बिल्कुल इसका अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है. हम नेटवर्क भी बुलिश हो चुका है जी, मगर अगेन बुलिश के साथ अपने अवर बॉट में गया. इसकी RSI वैल्यू 75 की आई, उसके बाद सेटल होकर अब इसकी RSI की वैल्यू बिल्कुल 70 पे है. स्टॉक हैस्टिक भी अवर बॉट में और
फर्दर आपको थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर या एडजस्टमेंट दिखा रहा है। इचिमोको इसका बिल्कुल अभी एक एज पे थोड़ा सा इसका बुलिश हुआ है, फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आती है। स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी तो ये भी शेयर परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली KC 100 इंडेक्स के साथ बिल्कुल कोरिलेटेड है। वही है कि ये जो आप इसमें आपने एक दो रेड सेशन देखे हैं, प्रॉबेबली इट्स अ ब्रीदर ताकि इसके अवर बॉट जोन से ये निकल सके। WGL क्लियरली क्लियरली बुलिश थी, अपनी ट्रेंड को काफी अर्से से बुलिश कैरी करता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। इसका जो RSI है ये 68 पे है, हाईएस्ट RSI जो हमने रिसेंटली हाई RSI जो हमने देखा है वो 79 to 80 था। इससे पहले जो हाईएस्ट RSI साल में हमने देखा इसका डेट इज 87। स्टॉक हैस्टिक भी इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर अपनी अपवर्ड मूवमेंट लेके चलेगा, तो आगे भी कहेगी भी आप इसमें ग्रीन सेशन देखेंगे। आज की क्लोजिंग इसकी 43.25 की है, अपने 1 ईयर के हाईएस्ट पे ये देन में रखिए WGL। मैं इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री देखूँ तो वो भी हाईएस्ट हमारे पास आ रही है इसकी, ये अपने हिस्टोरिकल हाई पे है, और ये अपनी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी हमारे पास इसकी हिस्टोरिकल हाई पे आ रहा है। इससे इतना हाई ये कभी नहीं गया, तो वही है कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए, मगर अभी भी इसकी अपर डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है। व्यूज हम अपने कमेंट्स देख लेते हैं जो हमें लोगों ने कहा। उस्मान यूसुफ साहब, आगा साहब का कह रहे, आगा स्टील का कह रहे हैं। मोहम्मद खान कह रहे हैं कि सर हाउ डू यू नो, सर डू यू नो हाउ टू हाउ MFN फैसिलिटी वर्क्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। मोहम्मद खान साहब, डू यू मीन बाय FN मार्जिन फाइनेंसिंग? आई डोंट नो कि आप कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं। लिंक लुक इन टू ट्रेड कास्ट और शायद हम आपको उसमें गाइड कर सकें कि MFN फैसिलिटी उसमें कैसे काम करती है, मगर यूजली आई डोंट थिंक सो कि वो फैसिलिटी अवेलेबल है इस तरह ऑनलाइन। अच्छा, वेव्स एंड NML प्लीज, ऑब्वियसली हम उसको कवर करेंगे। मोहम्मद खान साहब का वही MFN वाला मैसेज है। हबीबुल्ला साहब कह रहे हैं कि WLT इन 2000 वाज इट वाज 30। हबीबुल्ला साहब, लेट मी गो टू द ग्राफ अगेन। वर्ल्ड कॉल हमारे पास ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में जो हमारे पास आ रहा है इन 2007, इसने 20 रुपीज कभी क्रॉस नहीं किया, इसका हाईएस्ट 20 ही है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि इन लेवल्स तक दोबारा चला जाएगा, मे बी इन लॉन्ग रन चला जाए, अभी तक इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वही है कि इसकी आपको पता है कि रूमर क्या किस बात पे ये मूव हो रहा है कि AKD ने इसका 51% एक्वायर करना है। इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं है, फंडामेंटल्स की मुझे नहीं पता इंप्रूव हुए हैं कि नहीं, वो शायद आगे फर्दर इंप्रूव हो, या ARY कोई अपने प्लान शेयर करे कि जब हमने वर्ल्ड कॉल को पता नहीं इस तरह बड़ा चेंज कर देना, तो तब हम इस पर कह सकते हैं कि शायद इस किस्म का इसमें पोटेंशियल है कि ये इस तरह स्टॉक परफॉर्म करना शुरू हो जाए। इसके बाद जी, आई एम सॉरी, खतीजा हारून PIA, WTLE डी वर्ल्ड कॉल कवर हो गया, TLEN PIA। जहांजीर साहब भी वर्ल्ड कॉल का पूछ रहे हैं, BOP तजम्मल हुसैन साहब एंड साजगार। हबीबुल्ला साहब कह रहे हैं बाई मिस्टेक आई बॉट एट 3.98। मेरे ख्याल में आप वर्ल्ड कॉल के लिए कह रहे हैं, तो डोंट वरी, आप इसको होल्ड रखिए, मे बी इस बुलिश ड्राइव में आपको एग्जिट का मौका मिल जाए विद प्रॉफिट में भी। 4 से ऊपर इसमें दिखाया हुआ है, वही है कि इसको थोड़ा सा ब्रीदर लेने की जरूरत है, आपको पेशेंट होने की जरूरत है, क्योंकि पेशेंट होने की जरूरत है क्योंकि ये अवर बॉट में है। ये निकलेगा तो फिर ये ऑब्वियसली मार्केट के साथ परफॉर्म करता हुआ, अगर मार्केट 50,000 पे जाती है तो ये अब थोड़े से करेक्शंस ले लेता है, तो ये बिल्कुल परफॉर्म करता हुआ मेरे ख्याल में आपको शायद प्रॉफिट दे जाए। उस्मान मंसूर साहब, OGDCL, कमिंग टू अवर व्यूज रिक्वेस्ट नाउ। जी व्यू, स्टार्टिंग विद आगा, बड़ा अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने पूछा उन्होंने भी कहा, और उनका उनका रिजर्वेशन भी है कि परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। एक तो अगर आप देखिए तो ये बिल्कुल अपने इसका जो जो लेवल ऑफ 26-27 एक्सट्रीम सपोर्ट है, ये अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड लेवल को टच कर रहा था एज पर RSI 26-27 पे, ये तो जहन में रखिए। वैल्यू ऑफ 39 to 41 रुपीज इसका एक्सट्रीम ओवर बॉट बना हुआ है अभी तक। ये है कि ये बेरिश हुआ हुआ था एज पर इचिमोको, प्राइस हिस्ट्री इतनी नहीं है जो इतनी हमारे पास, मगर अभी ये रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। इचिमोको इज नॉट नॉट क्लियरली आउट ऑफ इट्स बेरिश जोन, एक अर्ली आपको ब्रेकआउट देता हुआ शायद नजर आता है। लेट्स सी आगे, स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो हमें एक प्रॉमिसिंग फिगर दे रहा है कि आगे के भी सेशन आप इसमें ग्रीन देखेंगे। अगर आप देखिए तो यहाँ पे ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन फ्रॉम ब्लू। RSI इसका अभी जो है 47 पे है, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। लॉन्ग रन में मेरे ख्याल में स्टॉक फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर आगे सीमेंट और स्टील सेक्टर ने परफॉर्म करना है आफ्टर बजट, बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी किस्म के बड़े सपोर्टिंग फैसले होंगे,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तो पूरे इन सेक्टर्स ने परफॉर्म करना है। तो आई होप सो अगर ये बात होती है तो ये परफॉर्म करेगा। इफ यू आर होल्डिंग इट, कीप होल्डिंग इट, फंडामेंटली अच्छा शेयर है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वेव्स की बात करें जी, वेव्स बिल्कुल हमें अपवर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है, इट्स गेटिंग इनटू इट्स बुलिश जोन। बेशक क्लाउड से नीचे है मगर आप इसका ब्रेकआउट देखिए लेगिंग स्पैन का और दोनों लाइंस का, ये क्लियरली क्लियरली आपको अपवर्ड डायरेक्शन की इंडिकेशन दे रहा है। मगर ऑन द अदर हैंड इसकी अपना इसका 70 से 70 पर पहुंच गया RSI। आप यहाँ पे देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी इसका बिल्कुल अब अबाउट जोन में है, ऑलमोस्ट दोनों लाइन क्रॉस होने वाली है। मगर मेरे ख्याल में जो विद विद कंबाइंड विद वॉल्यूम फिगर्स और जिस किस्म की इसकी मूवमेंट है, ये थोड़े बहुत फ्लैट सेशन बीच में आपको एक दो दे दें मगर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आता है। अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं आपको किसी किस्म की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा। आज की वेव्स की क्लोजिंग है 24.43, इसी साल का जो इसने हाईएस्ट हमें दिखाया वो 31 दिखाया हुआ है। पिछले 3 साल का मैं आपके साथ आपकी हिस्ट्री शेयर करूँ तो हाईएस्ट हमने वेव्स को 49 पे भी देखा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज निशात मिल्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट। ये टेक्सटाइल का बहुत अच्छा स्टॉक है। ये यहाँ पे आज जो मोको एक बड़ी अच्छी प्रॉमिसिंग एक ब्रेकआउट यहाँ पे निशात मिल्स का भी दे रहा है। मैं आपको बताऊँ इसका जो RSI है अभी 69 पे है और इसका स्टॉक हैस्टिक अपने ओवर बॉट में चला गया। मे बी आपको एक दो करेक्शंस या फ्लैट सेशंस मिले मगर उसके बाद शायद ये परफॉर्म आपको करता हुआ नजर आए। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। इफ आई कैन शेयर मैं निशात मिल्स का आपके साथ शेयर कर सकूं, प्राइस टू अर्निंग 8.41 और टेक्सटाइल सेक्टर जो है इसका उसकी जो है टेक्सटाइल कंपोजिट की 9.72 है। एक ये है कि आई आई कैन नॉट गिव यू अ टारगेट प्राइस बट आई कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन कि एक बड़ा फेमस रिसर्च हाउस है, वन ऑफ द मेजर ब्रोकर्स ऑफ पाकिस्तान, वो इसकी फंडामेंटल्स ऑन बेस ऑफ फंडामेंटल्स इस निशात मिल्स की जो प्राइस है वो 180 से ऊपर की देता है टारगेट फेयर प्राइस फॉर दिस ईयर। तो मैं आपको अगेन ये नहीं कह रहा कि ये उस प्राइस को टच कर जाएगा मगर एज पर इट्स फंडामेंटल्स और इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट और डिविडेंड यील्ड को देखते हुए और फर्दर इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को देखते हुए वो उसकी 180 से ऊपर की टारगेट प्राइस देता है। और बाकी प्रॉबेबली टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी बड़े कोई शायद फेवरेबल फैसले होंगे उसके लिए भी बजट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस सेक्टर में भी ये स्टॉक ऑब्वियसली इज गोइंग टू परफॉर्म, ये बहुत अच्छी कंपनी। और द नेक्स्ट वन इज साजगार। साजगार की आपके पास क्लोजिंग है 171 की। इचिमोको इसका साइडवेज है, साइडवेज मींस कि अगर आपने उठाया हुआ तो बेचिए मत, अगर आपने इसमें एंट्री करनी है तो अभी खरीदिए मत। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है डेट इज 54 इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड वो सोल्ड, अपने वो सोल्ड लेवल के पास किया है बाय द 34 की वैल्यू पर, अब वहाँ से ये वापस ऊपर आया है। मेरे ख्याल में यहाँ से ये रिवर्स ही जा रहा होगा क्योंकि इसने काफ़ी अरसे से इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। अगर इसके RSI को आप देखिए, स्टॉक हैस्टिक भी यहाँ पे इसके अबव बॉटम में पहुंचा हुआ है। मे बी एक दो ग्रीन सेशन और आप इसमें फिर थोड़ी सी करेक्शन देखें, इसको नीचे आते हुए देखें। साजगार के बाद OGDC अगेन अ वेरी गुड स्टॉक। एक हमारे स्टॉक मार्केट के कुछ शेयर्स हैं जिस टाइम अंडर वैल्यूड हैं, अपने हिस्टोरिकल लोज पे है, स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग और इन शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया अभी तक, तो ये उन शेयर्स में से OGDC। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे इसको ब्लू लाइन रेड लाइन को बिल्कुल क्रॉस कर रही है, क्रॉस करती है तो इट्स अनदर बुलिश साइन। और अगर हमें फर्दर एक दो ग्रीन सेशंस मिलते हैं और ये लैगिंग स्पैन भी इन दोनों लाइंस को क्रॉस कर लेती थी, ये कर लेती है तो इसका एक ये अर्ली बुलिश ब्रेकआउट हमें अपवर्ड अप ट्रेंड का साइन दे रहा होगा इचिमो को यहाँ पे। दूसरी तरफ इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 59, अभी भी काफ़ी कुशन है इसके पास परफॉर्म करने का एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर ये जा रहा है। अगर आप RSI को भी देखिए तो RSI इसको काफ़ी अरसे से प्रेशर में दिखा रहा था, सेलिंग प्रेशर में, और इसने कभी भी वैल्यू ऑफ 50 क्रॉस नहीं की। इस दफा की ड्राइव या इसकी बुलिश रन में इट हैज़ क्रॉस द वैल्यू ऑफ 50 एंड RSI इसका 59 पे पहुंच गया, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये परफॉर्म करता हुआ दोबारा एक अच्छे लेवल्स पे चला जाएगा। स्टॉक हैस्टिक भी बड़ा क्लियरली क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड और अपवर्ड ड्राइव इंडिकेट कर रहा है OGDC के लिए। जी व्यूज, नेक्स्ट वन इज टेलीकार्ड। टेलीकार्ड इज मैं आपको बिल्कुल बता क्लियरली बुलिश है, मैं आपको हमेशा से इंडिकेट कर रहा हूँ। वही था कि अब अबाउट जोन में था और वहाँ से उसने अपने आप को एडजस्टमेंट्स कुछ किए हैं और अभी इसका RSI इज एट द वैल्यू ऑफ 65। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए बिल्कुल अब अबाउट जोन के पास ही होवर कर रहा है यहाँ पे, और अभी इसकी रेड लाइन इसने बिल्कुल क्रॉस किया है यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन को, तो फॉर टुमारो भी कल आपको इसमें छोटी मोटी करेक्शन या इसका थोड़ा सा छोटा सा एक रेड सेशन या आपको फ्लैट सेशन मिले, ये फर्दर एडजस्टमेंट ले, इट सीम्स लाइक इट।
या आई एम सॉरी, बल्कि आई एम सो सॉरी, ये इट हैज टू परफॉर्म फॉर टुमारो। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पे कट कर रहा है, कल का इसका छोटा मोटा ग्रीन सेशन होगा, इतना मेजर सेशन नहीं होगा, मगर इट सीम्स लाइक कि कल का इसका सेशन ग्रीन होगा टेलीकार्ट का, क्योंकि ये ब्लू लाइन देखिए क्रॉसिंग में चल रही है, ब्लू लाइन ने पहले ऊपर से नीचे क्रॉस करके अब वापसी ले रही है यहाँ से स्टॉक हैस्टिक की। अभी तक इसकी जो ट्रेंड है इसका बुलिश ही है, और यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो जो वेव्स इसने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने भी बनाई है वो निचली वेव पे है एट द वैल्यू 59, और ये यहाँ पे मेरे ख्याल में इसकी सेलिंग बनती है 71 के RSI पे। तो सीम्स लाइक कि इसने अभी ये इसकी जो वेव बनी है ये अब कल के लिए ग्रीन होगी इसकी। अगेन नो एंट्री एग्जिट पॉइंट, जस्ट एन आइडिया जो ये वेव बनाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को देख लीजिए। PIA साइडवेज ही मैं आपको कहूंगा, लाइंस बहुत टैंगल्ड हैं, एक अर्ली वीक साइन है ब्रेकआउट का। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 61 की वैल्यू पे है, स्टॉक हैस्टिक आपको इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड मूवमेंट। तो कल इसमें आप ग्रीन सेशन ही देखेंगे, और कल के ग्रीन के सेशन के बाद इसका इसके जो एचईएमओ को ग्राफ फर्दर क्लियर होगा, और हमें क्लियर शायद बुलिश ट्रेंड मिल रहा हो इसका आगे की तरफ आफ्टर टुमारोज ग्रीन सेशन। तो कल कल के लिए हमें एक फर्दर इसमें ग्रीन सेशन PIA में नजर आता है, इंडिकेट होता है। बैंक ऑफ पंजाब एक अर्ली हमें वीक साइन देता है अपवर्ड का, मगर उसके साथ ही अगर आप देखिए तो ये अपने हवा बॉर्ड जोन में घुस चुका है 72। इसने हाईएस्ट हमें अपने वैल्यू दिखाई है दैट इज 78, ये भी देखिए तो एक्सट्रीम हवा बॉर्ड में। मे बी यू गेट अनदर ग्रीन सेशन, मगर उसके बाद फिर इसमें आपको आप इसमें रिवर्सल देख सकते हैं। ये आगे पता चलेगा, ये अपने आप को सस्टेन करते हैं इन लेवल्स पे और RSI की वैल्यू को ले नीचे लेकर आता है तो इसकी फर्दर हमें आगे इसकी अप्रिसिएशन मिल सकती है, मगर फिलहाल इतना चढ़ता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि दोनों ये दोनों एक्सट्रीम ओवर बॉट में चले गए हैं। और अगर ये फर्दर गेन भी करता है तो ये इतनी स्ट्रांगली बुलिश नहीं हो रहा होगा इचीमो को कि इसको नहीं हो रहा होगा, और फर्दर यहाँ से इसको कुशन नहीं मिल रहा होगा फर्दर अप्रिसिएशन का। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। या तो ये अपने आप को सस्टेन करें इन लेवल्स पे कुछ अर्सा, ये दोनों नीचे हैं तो फिर ये अपने अपना अप ट्रेंड कैरी करे तो शायद ये एक अच्छा इसका आपको कैपिटल गेन मिलता हुआ या इसकी प्राइस में आपको गेन मिलता हुआ नजर आता है। व्यूअर्स, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।